पंजाब के खिलाफ मैच हारने के बाद शेष अय्यर पर भड़क गए गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, आज पंजाब की टीम ने इतिहास रच दिया है। आईपीएल का पूरे टी20 क्रिकेट के इतिहास में पंजाब की टीम पहली ऐसी टीम बन गई जिसने 262 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट को चेस कर लिया है। और इस जीत से जितने खुश पंजाब की टीम थी उतने ही गुस्से में गौतम गंभीर भी थे। जब केकेआर ने 262 रन बनाए तब सभी को ये लग रहा था कि केकेआर की टीम बड़ी आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर जैसे पंजाब के ओपनर्स ने केकेआर के गेंदबाजों को धोना शुरू किया ना और पावर प्ले में लगभग 100 का आंकड़ा पार कर लिया, उसके बाद तो कप्तान शेष अय्यर काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए थे। अय्यर को समझ नहीं आ रहा था कि किस गेंदबाज को कहां पर गेंदबाजी करानी है और इनके कुछ और गलत फैसलों पर पंजाब ने काफी ज्यादा फायदा उठाया जिसके चलते पंजाब ये मैच जीत गई। अय्यर की खराब कप्तानी में गंभीर मैच के दौरान काफी गुस्से में दिखाई दिए, बल्कि जैसे मैच खत्म हुआ गंभीर सबसे पहले अय्यर से मिलकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। गंभीर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे दोस्तों और साफ दिख रहा था कि गंभीर बेहद ही निराश है। दोस्तों आप केकेआर के सार पर किसको दोषी मानते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस ड्रामा का पूरा वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।